गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नए सिलेबस के अनुसार चैप्टर टू या कोर्स टू में हमें एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स और आईसी इंजन्स, ये दो यूनिट्स पढ़ने हैं जो कि हमारे ओल्ड सिलेबस के हिसाब से हैं। तो इसमें हमने कार्नोट साइकिल हम पढ़ चुके हैं, ऑटो साइकिल हम पढ़ चुके हैं, डीजल साइकिल भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं ड्यूल साइकिल, ड्यूल चक्र। देखते हैं क्या है यह। दिस साइकिल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो एंड डीजल साइकिल। यह जो साइकिल है यह ऑटो और डीजल साइकिल का कॉम्बिनेशन है। सिंपल सी बात है, हमने ऑटो और डीजल साइकिल पढ़ा हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और बस इसमें उनका कॉम्बिनेशन ही है। देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड सेमी वॉल्यूम सेमी डीजल साइकिल, ठीक है, कहीं कहीं पे इसको सेमी डीजल साइकिल भी कहते हैं। हीट इज सप्लाइड पार्टली एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट जो है वो सप्लाई होता है आधा पार्ट में कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मींस देखिए, इस साइकिल में हीट सप्लाई जो है वह कुछ मात्रा में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में होता है और कुछ मात्रा में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में होता है, ओके। जबकि ऑटो साइकिल में हमने पढ़ा था कि जो हीट ट्रांसफर है वह कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में होता है, ओके। इसके अलावा डीजल साइकिल में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल में प्रोसेस में होता है, ओके। तो यहाँ पर कुछ मात्रा में कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है, कुछ मात्रा में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हो रहा है, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन है ऑटो और डीजल का। ऑटो साइकिल मीन्स ऐसा साइकिल जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट सप्लाई हो रहा हो, डीजल साइकिल मीन्स ऐसा साइकिल जिसमें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट सप्लाई हो, ड्यूल साइकिल मीन्स ऐसा साइकिल जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों ही प्रोसेस में हीट सप्लाई हो रही हो। देर आर फाइव प्रोसेसेस, इस साइकिल में पांच प्रोसेस होते हैं। नंबर वन, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक और आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन या फिर आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन। वन टू टू, टू से थ्री कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, थ्री से फोर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, नंबर फोर रिवर्सिबल आइडियाबैटिक और आइजेंट्रोपिक एक्सपेंशन, नंबर फाइव कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एजेक्शन, 5 to 1, ओके। तो देखिए, पहला, फोर्थ और फिफ्थ जो प्रोसेस है वो सेम एज पर द ऑटो और डीजल में जो प्रोसेस है वही है, बस इसमें जो नए दो प्रोसेस ऐड हुए हैं टू और थ्री वो हीट एडिशन के लिए दो प्रोसेस हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, जबकि हीट रिजेक्शन जो हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हो रहा है। तो ये इस डिफरेंस को आपको याद रखना है और इसी के बेसिस में आपको बनाना है अपना पीवी और टीएस डायग्राम। देखते हैं हम, देखिए पीवी डायग्राम है ये, पॉइंट नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये हमने करो खींचा जैसा हमने ऑटो और डीजल में किया था। टू से थ्री कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, थ्री से फोर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये एक साइकिल हीट एंटरिंग का और एक ये एरो हीट एंटरिंग का, दोनों को हम डिनोट कर रहे हैं Q1 से। इसके अलावा फिर आइडियाबेटिक एक्सपेंशन है, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है जिसको Q2 से शो कर। आइजेंट्रोपिक प्रोसेस में देखें अगर इसी को, वन से टू आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ऊपर की तरफ। टू टू थ्री कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, थ्री से फोर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को थोड़ा सा ज़्यादा हमने स्लोप दिया है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को थोड़ा कम स्लोप दिया, क्योंकि हमको पता है टीएस डायग्राम में पीवी नरसिम्हा राव वाला एग्जांपल था हमारा, पी का जो कर्व है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का जो कर्व है उसका स्लोप थोड़ा कम होगा, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का जो स्लोप है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, ओके। उसका नेक्स्ट अगेन फोर्थ, इसीलिए देखिए इसका स्लोप ज़्यादा है थोड़ा, इसका स्लोप थोड़ा सा कम है। फिर फोर टू फाइव है आइजेंट्रोपिक एक्सपेंशन, हीट रिजेक्ट सॉरी टेम्परेचर इसमें रिड्यूस हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। नंबर फाइव टू वन है आइडियाबैटिक सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये सारे जो लाइंस हैं, ड्रॉस हैं, कर्व्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इस पोर्शन में ये जो डिफरेंस है वो एक डिफरेंस है और यहाँ पे जो डिफरेंस है ये एक डिफरेंस है। इतना को आपको नोट रखना है और आप पांचों प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि प्रोसेस वन से टू जो है वो कांस्टेंट
रिवर्स कॉन्स्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है या फिर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है ना। इस प्रोसेस के शुरुआत में प्रेशर वन है, वॉल्यूम वी वन है, टेम्परेचर टी वन है, जो कि इस प्रोसेस के बाद प्रेशर टू, वॉल्यूम टू या टेम्परेचर टी टू हो जाते हैं। ओके फिर आप बता सकते हैं टू से थ्री कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर है, प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम वी टू इज इक्वल टू वी थ्री होगा एवं प्रेशर पी टू से पी थ्री हो रहा है और टेम्परेचर टी टू से टी थ्री हो रहा है। फिर आप बता सकते हैं प्रोसेस थ्री से फोर जो है वह कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा, सो पी थ्री इज इक्वल टू पी फोर एंड जो टेम्परेचर है और वॉल्यूम है वो टी थ्री और बी थ्री से चेंज होकर टी फोर और बी फोर हो जाएंगे। इसके अलावा फोर टू फाइव जो एडियाबेटिक कंप्रेशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इस प्रोसेस में भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है और पी बी गामा इज इक्वल टू सी इक्वेशन को फॉलो करता है या प्रोसेस। इस प्रोसेस के शुरुआत में पॉइंट नंबर फोर पे प्रेशर पी फोर है, वॉल्यूम वी फोर है, टेम्परेचर टी फोर है, जो कि इस प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद पॉइंट नंबर फाइव पे प्रेशर पी फाइव हो जा रहा है, वॉल्यूम वी फाइव हो जा रहा है और टेम्परेचर टी फाइव हो जाता है। ओके द लास्ट प्रोसेस इज फाइव टू वन, दैट इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है मीन्स इस प्रोसेस में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा एंड वी फाइव इज इक्वल टू वी वन। ठीक है, प्रोसेस का शुरुआत हुआ पॉइंट नंबर फाइव से जहाँ पर प्रेशर पी फाइव है, टेम्परेचर टी फाइव है और इस प्रोसेस जो ख़त्म हो रहा है पॉइंट नंबर वन पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर वापस टी वन हो जा रहा है, प्रेशर वी वन हो जा रहा है और वॉल्यूम जो है वो इस प्रोसेस में कांस्टेंट है, वी वन इज इक्वल टू वी फाइव। इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर। इस डेरिवेशन का कुछ पोर्शन मैं आपको कराऊंगा और बाकी के पोर्शन को आप जैसे पहले करते हैं वैसे ही कर लेंगे। जैसे कि हीट सप्लाई है यहाँ पर क्यू वन इज इक्वल टू क्यू वन, जो हीट सप्लाई है वो दो प्रोसेस में हो रहा है, टू से थ्री में और थ्री से फोर में, तो क्यू टू टू थ्री प्लस क्यू थ्री से फोर, जितना भी प्रोसेस टू से थ्री में हुआ है या जितना भी प्रोसेस थ्री से फोर में हुआ है उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके तो टू से थ्री कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसको हम लिखेंगे एम सी वी और टी एस डायग्राम से आप देख लीजिए, टी थ्री इज हायर एंड टी टू इज लोअर, देन एम सी वी टी थ्री माइनस टी टू प्लस कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है थ्री टू फोर, देन एम सी पी इज इक्वल टू टी फोर माइनस टी थ्री। ओके हीट रिजेक्टेड Q2 जो हो रहा है वो Q5 से 1 में हो रहा है, 5 से 1 के लिए अगर आप देखें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, सो ये हो गया MCB और T5 इज हायर टेम्परेचर एंड T1 इज लोअर टेम्परेचर। ये इक्वेशन आप बना लीजिए, फिर एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है हमारा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, इसमें आप वैल्यूज को रख दीजिए। जैसे रखते हैं हम Q1 का वैल्यू पहले रखते हैं जो कि है MCB T3 माइनस T2 अंडर ब्रैकेट प्लस MCB अंडर ब्रैकेट T4 माइनस T3। इसके अलावा माइनस Q2 करना